नमस्कार, भारत में तेजी से बढ़ते चैनल अखंड हिंदी न्यूज 24 में मैं सीके सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आइए रुक करते हैं दिन भर की तेज तर्रार एवं बेहतरीन खबरों की। सुहागिन महिलाओं को मिल रही है विधवा पेंशन। देश में मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही दावा किया था कि वह हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देगी। वहीं योगी सरकार ने भी यूपी में सत्ता आने के बाद ऐलान किया था कि देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार मिलकर के यूपी सहित पूरे देश में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म कर देंगे, लेकिन सरकार के नुमाइंदे सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला यूपी की राजधानी लखनऊ से महज 90 किलोमीटर दूर जनपद सीतापुर का है, जहां सरकार के नुमाइंदों ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। पतियों के जिंदा रहते हुए भी पत्नियों को विधवा पेंशन सरकारी तंत्र द्वारा दी जा रही है। मामले की जानकारी जैसे ही शहर कोतवाली इलाके के रहने वाले संदीप कुमार को हुई, उसने जिले के उच्च अधिकारियों से मामले को लेकर शिकायत की। पति के जिंदा रहते हुए उसकी बीवी को विधवा पेंशन मिलने की खबर जैसे ही जिले के आला अधिकारियों को हुई, वैसे ही पूरे सरकारी तंत्र में हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर जब जिले के उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला मीडिया के द्वारा ही संज्ञान में आया है, हम ब्लॉक और जिले स्तर पर टीमों का गठन कर मामले की जड़ तक जाएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से शिव नरेश पांडे की खास रिपोर्ट। कहीं हम पेंशनत में महामाया बनी तो हम कहन बनी भाई तो हम दे दे हम और हम उम्मा का दन जब लिखे पढ़े ना हम पैसे भी लिए थे। हां कितने पैसे लिए? 100 रुपया लेना है। 100 रुपये? क्या कहा? मंगते रहे और निकल हम और देह ना रहन। अच्छा क्या कहा? तब कहे लगे रुपया देव तो हम कहन रुपया वही नहीं। अच्छा तब है 70 रुपया दे दे रहा ना हम फार्म दे दे। फिर पेंशन मिली आपको? मिले रहन गेल हमका हाथ में अकाउंट नहीं मिले। कौन निकाल? किसने लिया? कोई खुद ले लेन ना है वो निकाल ले। हां फार्म दे दो तो 50-50 रुपया लेना फार्म ले लेना है। आपके पति हैं? पति हमारा है नहीं, का बाहर काम भट्टी बनाएगी। आपको पता है आपका आपका विधवा पेंशन बनी है आपके पति? आप के हम नहीं जानते रहन। पति के रहते हुए पैसा हमका 1500 रुपया का दावा निकसे रहे तो हम दे दे रहा ले ली ना। कौन ले लिया? वह कौन? किशोरन। ये किशोरी कहाँ के हैं? वह बताए रहन कोरैया के। कोरैया के? हाँ। क्या है ये? अब यू हमका कुछ नहीं बताई ना है, कोई हम अर्जेंट कहूँ की है या कुछ है, कहीं फार्म जमा करी। पैसा निकालने आपके साथ कौन जाता है बैंक? हमारे सबके साथ कोई नहीं, वही सब चौराहे पर बैंक रहा आए तो कहीं पैसा तुम्हारा सबके आए गए निकलवाए दो चले तो सब लोग गए रहन तो निकल। अच्छा, ये कहा था कि जब पेंशन बन जाएगी तो पहली किस्त हम ले लें। हाँ। अच्छा क्या बोले? कहीं जब पहली किस्त आई तब हम ले ली, बाद दूसर आवे तब तू ले तो दूसर देखे आई भी नहीं करी। अच्छा, अब आप लोगों को पता चला कि आपकी विधवा पेंशन बनी, आप लोगों ने विरोध नहीं किया इस बात का? विरोध हम कहीं सुन ला कुछ पता रहा, ये तो पता रहा संदीप पता ही नहीं विधवा पेंशन बनी है सबकी। ओ गांव है कोरैया, उदयपुर कोरैया। अच्छा, उदयपुर कोरैया। हाँ, वो भी आए कहना कागज दे दो हमका, हम आपकी पेंशन बनवा देंगे तो बच्चा हमारे घर में रहे छोटे छोटे, वो मांगे हैं तो उनको दे देने। सर हमको पता नहीं, हम घर में नहीं रहा। पेंशन आपकी बनी है, बच्चे क्यों कागज दे? पैसा आप निकलवाए? नहीं, पैसा सर हम निकलाया था, जरूर निकलाया, पैसा निकलाया था, हम बता रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निकलाए हैं हम वो पैसा, वो भी ले लिया। अच्छा क्या बोले? वो कहे कि हम एक पेंशन जो बनवाता है वो ले लेता है। अच्छा, तो वो सर पैसा नहीं तो हम दे दिया, हमको मिला नहीं एक पैसा सर, तब से हमारे पे पैसा। फिर कोई किस्त आई? नहीं सर, हम एक पैसा तब से नहीं जानता। किशोरी आए थे तो क्या बोले थे कि मतलब कौन सी पेंशन बनवा रहा? वो सर कह रहे हैं कि मतलब उनको कागज दे दो पेंशन बनवा देंगे, तो हम कहें कौन पेंशन बनाई हो तुम? ए पिल्सन समाजवादी बन रही है, महामाया बन रही, तो हम कहे सर ए पता नहीं है कि समाजवादी बनवाई ने या महामाया बनवाई की कौन पिल्सन बनवाई। पति हमारे हैं, पति हमारे। आपकी विधवा पेंशन बनवाई गई, आपके पति के रहते हुए आपको विधवा पेंशन दी जा रही है? हमका ये पता नहीं विधवा बनवाई है कि मतलब कैसे बनवाई, जब हम पढ़े सर ने तो चाहे जैसे बनवाई। 22 ऐसी महिलाएं जो सुहागन है विधवा नहीं है लेकिन उनको विधवा पेंशन मिल रही है, इस बारे में आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विधवा पेंशन का जो सत्यापन होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक द्वारा होता है और शहरी क्षेत्रों में तहसील द्वारा होता है। ये ग्रामीण क्षेत्र का मैटर है, तो इसमें जो सत्यापन रिपोर्ट आई है अगर उसके आधार पे किसी ने गलत रिपोर्ट देके उनको लाभ दिलाने का प्रयास किया है तो जिम्मेदार व्यक्ति का उत्तरदायित्व तय करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जाँच कराने के उपरांत। ये मैटर मैंने संज्ञान में ले लिया और तत्काल
जांच आदेश जारी कराने का निर्देश दे दिया है। इसमें पत्रकार जांच कराएंगे जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ पत्रकार बंधुओं द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा जांच में कुछ ऐसी महिलाओं को शिनाख्त की गई है जो मैरिड हैं और जिनको पेंशन प्राप्त हो रही है। तो यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा पेंशन का अनुचित लाभ उठाया गया है तो वो कानूनी कार्यवाही का पात्र है। इसकी जांच सघनता से की जा रही है और उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दिन भर की ताज़ा और आसपास के लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए अखंड न्यूज़।